हेलो एवरीवन, दिस इज फरहानूर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन स्टार्ट करा था। उसमें हमने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे वेयर डिड पीपल लिव। अगर मैं बच्चों आपसे पूछूं, आप कहाँ रहते हैं, आप बोलेंगे मैम हम घर में रहते हैं। घर में तो सभी लोग रहते हैं। क्या हमेशा से ह्यूमन बीइंग घरों में ही रहते थे? आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि पहले लोग जंगलों में गुफाओं में रहते थे और धीरे धीरे इवॉल्व हुई ना सोसाइटी। क्या ह्यूमन बीइंग जैसे अब रहते हैं, क्या पहले भी ऐसे ही रहते थे? नहीं, पहले हमेशा ऐसे नहीं रहते थे। इस चैप्टर में हम यही देखेंगे, अर्ली ह्यूमन जो थे कहाँ रहते थे, अब पहले वो जहाँ रहते थे उसके पीछे क्या रीज़न था, वो सारी चीज़ों को, वो लोग कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल हंड्रेड थाउजेंड ईयर्स। तो बच्चों, आपको पता है स्टार्टिंग में पहले लोग कहाँ रहते थे? तो स्टार्टिंग में लोग है ना, नदी के किनारे रहते थे। आखिर नदी के किनारे ही क्यों वो लोग रहते थे? क्योंकि उन्हें बड़े अच्छे व्यूज़ दिखते थे नदी किनारे, इसलिए रहते थे। तो बच्चों नहीं, आज अगर हमें पानी चाहिए होता है तो हम बोर वेल करवा लेते हैं, वेल डिग करवा लेते हैं, ठीक, या फिर हमारे यहाँ पाइपलाइन आई हुई होती हैं। आज तो हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज हैं, पर स्टूडेंट्स पहले ऐसा नहीं था। आज पानी हमारे पास आता है। अर्ली ह्यूमंस पानी के पास खुद चलकर जाते थे, बिकॉज वाटर इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग। जैसा कि आपकी बुक में दिया है, रिवर नर्मदा, ये सेंट्रल इंडिया का मध्य प्रदेश है, यहाँ रिवर नर्मदा बहती है, ठीक है। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर किल्ड गैदरर्स, दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। इसका मतलब है बच्चों, हंटर्स एंड गैदरर्स जंगलों जंगलों शिकार करते थे। गैदरर मतलब घूम कर कहीं फल मिल गया, उठा लिया, सामान उठा लिया, तो इस सेंस में उन्हें गैदरर कहा गया, इसलिए जंगलों में रहते थे। उनकी प्राइमरी एक्टिविटीज हंटिंग और गैदरिंग होती थी। पहले वो लोग खाने के लिए हंटिंग करते थे। जब उन्हें पता चला कि फसल को उगाया जा सकता है, एक बीज को लगाकर उससे आप बड़ा पेड़ बना सकते हैं, उससे आपको और फल मिल जाएंगे, तो वो ऐसे एरियाज में सेटल हो गए। वहाँ वो लोग एग्रीकल्चरलिस्ट की तरह रहने लगे और वहीं खेतीबाड़ी करने लगे। तो मैंने आपको बताया, आज तो हम लोग घरों में रह रहे हैं, पहले लोग गुफाओं में रहते थे, तो धीरे धीरे सोसाइटी इवॉल्व हुई ना, और बाद में लोग सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट की तरह रहने लगे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरतर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। चलिए मैपिंग करते हैं थोड़ा सा। नाउ बच्चों, लुक एट द मैप। आपकी बुक में ब्लैक एंड वाइट मैप दे रखा है, लेकिन मैंने कलरफुल लगाया ताकि आपको अच्छे से दिखे। नाउ लुक बच्चों, ये है किरतर हिल्स, ये है सुलेमान हिल्स। ये देखो पाकिस्तान में क्या है, आज तो इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हैं, लेकिन पहले ऐसी बॉर्डर नहीं होती थी एंशियंट टाइम्स में, तो उस वक्त पर तो यहाँ पर दो हिल्स हैं, सुलेमान एंड किरतर हिल्स। ये माउंटेन की रेंजेस हैं, माउंटेन होते हैं ना छोटे छोटे, उन्हें बोलते हैं रेंजेस, ठीक। तो बच्चों फिर देखेंगे गारो हिल्स, यहाँ पर ठीक नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया में मेघालय स्टेट है ना, तो वहाँ है गारो हिल्स। और ये है विंध्या, विंध्या किसी का नाम नहीं है बच्चों, ये भी माउंटेन रेंज है। तो स्टूडेंट्स अभी हम समझते हैं हम वेयर डिड पीपल में ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, अभी बताते हैं। सबसे पहले देखा जाए आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो सर्वे करते हैं, सिंपल। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक। कुछ लोग बस यही देखते रहते हैं कहाँ क्या मिल रहा है, पहले वो लोग स्टडी करते रहते हैं, फिर वो हिस्ट्री की बुक लिख देते हैं इसी तरह से, जो आपको पढ़नी पड़ती है, फिर आप बोर हो जाते हैं, ठीक। तो बच्चों बोर नहीं होना है, हमें हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाना है, क्या बनाना है, इंटरेस्टिंग, ओके। तो बच्चों मैप देखिए ज़रा, सुलेमान किरतर हिल्स में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ चीज़ें मिली हैं, जैसे उन्होंने ये पता करा कि सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप सच एज वीट बार्ले अबाउट 8000 ईयर्स एगो आर लोकेटेड हेयर। तो बच्चों आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या पता करा, 8000 साल पहले की बात है, अभी की नहीं है, 8000 साल पहले की बात है, जब उन्होंने ये पता करा कि वुमेन एंड मैन 8000 साल पहले खेती करते थे,
उसके एविडेंस यहाँ मिले हैं, कहाँ? सुलेमान और किरथर हिल्स में। और हमें ये भी पता चलता है इन एविडेंसेस से कि सबसे पहले वहाँ पर बारले और वीट की क्रॉप्स ग्रो हुई, यानी गेहूं और जौ की फसल सबसे पहले यहीं शुरू हुई। पीपल ऑल्सो बिगिन रेयरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। तो इसका मतलब है बच्चों कि इस एरिया में एनिमल्स भी पाले जाते थे। कौन कौन से एनिमल्स पालते थे वो लोग? जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल। चलिए अब जरा विंध्य रेंज पर मार्क करते हैं। विंध्य रेंज कहाँ है आपका? सेंट्रल इंडिया में। देखिए जरा। सो स्टूडेंट्स, लुक एट दी विंध्य रेंज। विंध्य के नॉर्थ में यहाँ सबसे पहले राइस कल्टिवेशन किया जाता था, ठीक। और हमें ये भी पता चलता है कि गारो हिल्स में एनिमल रेयरिंग होती थी। तो एविडेंस से हमें पता चलता है लोग यहाँ भी रहते थे। ओके, नाउ मूविंग ऑन। ट्रेस द रिवर इन दस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इसमें आपको एक वर्ड दिख रहा है, ट्रिब्यूटरीज। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों, आपने जो ये रिवर देख रहे हैं आप, गंगा, ये क्या है? एक मेन रिवर है और इसके साथ में कुछ छोटी छोटी नदियाँ भी इसमें जुड़ रही हैं। तो बच्चों, जो छोटी छोटी नदियाँ ही बड़े रिवर से मिल जाती हैं, उन्हें ही हम लोग ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज। नाउ लुक, गंगा रिवर की आप ज़रा ट्रिब्यूटरीज देखिए, कौन कौन सी नदियाँ इसमें आके जुड़ रही हैं, जैसे कि यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती। अब नीचे देखिए, चंबल, बेतवा, सोन। अबाउट 4,700 ईयर्स एगो सम ऑफ द अर्लियर सिटीज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स। तो 4,000 साल पहले लोगों ने कहाँ स्टार्ट करा था रहना? हमने आपको बताया था पहले कि एनिमल्स की बोन्स मिली हैं, कुछ रिमेन्स मिले हैं, कुछ टूटे फूटे घर मिले हैं। तो इन सारे एविडेंसेस से हमें ये पता चलता है कि 4,700 साल पहले लोग इंदस रिवर के किनारे रहते थे। तो हमने क्या जाना कि 4,700 ईयर्स एगो हमें एविडेंसेस कहाँ मिले थे? रिवर इंदस के पास में। और बाद में हमको कहाँ एविडेंसेस मिले थे? ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। तो बच्चों, 2,500 ईयर्स पहले गंगा रिवर के पास सिटीज डेवलप हुई थी। तो बच्चों, हमने जाना कि किस तरह से सुलेमान और किरथर हिल्स में लोगों का सेटलमेंट हुआ, वहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज स्टार्ट हुई। फिर हमने देखा गारो हिल्स में एनिमल रेयरिंग होना स्टार्ट हुआ। फिर हमने देखा विंध्य रेंजेस में राइस कल्टिवेशन स्टार्ट हुआ। तो इतने सारे प्रूफ्स और एविडेंसेस मिले हैं हमें, जिससे हमें पता चलता है कि लोगों का सेटलमेंट इन एरियाज में हुआ था। In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magadh, now lying in the state of Bihar. इसका मतलब है गंगा के साउथ में जो एरिया था उसे मगध कहा जाता था, ठीक, या किंगडम ऑफ मगध भी कह सकते हैं। मगध के जो रूलर थे बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, उन्होंने बहुत बड़ा अपना एम्पायर खड़ा कर रखा था। अगर हम पहले की बात करें, पहले लोग छोटे छोटे टुकड़ों में रहते थे, बाद में धीरे धीरे किंगडम्स बनती गईं, धीरे धीरे ऐसे ही सोसाइटीज इवॉल्व होती गईं, और आज हम घरों में रहते हैं। अगर हिस्ट्री देखी जाए तो इसी तरह से नदी के किनारे लोग रहते थे, और जहाँ सॉइल अच्छी होती थी, खेती की जा सकती थी, वहाँ रहते थे, ठीक। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, वेयर डिड पीपल लिव में। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं मूवमेंट्स ऑफ द पीपल, लोग मूव क्यों करते थे, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट इट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट दी लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दैट। थैंक यू, बाय बाय।